नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं संजय न्यूज इंडिया। शुरुआत करते हैं समय की 10 बड़ी खबरों के साथ। डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने पहुंचे। उनके आवास पर गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हुए मौजूद। विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से गलत, बिना सबूत के आधार पर किया गया मामला दर्ज, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। विक्रम मजीठिया हुए अंडरग्राउंड, SIT की तरफ से लगातार छापेमारी जारी। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब को विकास के एजेंडे की जरूरत है, लॉलीपॉप की नहीं। लुधियाना के भारतनगर चौक से 4 क्विंटल 19 किलो बीफ समेत 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। गढ़शंकर से आम आदमी पार्टी विधायक रोड़ी की कार पर तेजधार हथियारों से किया गया हमला, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। सिखों पर टिप्पणी मामले में कंगना पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी, पंजाब में 24 दिसंबर को होगी बारिश, 23 से 25 तारीख तक होगा घना कोहरा। अमृतसर में किडनी मामले में आया 19 साल बाद फैसला, 2 डॉक्टरों को 10 साल की कैद, एडवोकेट सैनी समेत 7 बरी। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना जारी, 80 ट्रेनें हुई प्रभावित। पंजाब में आज से 3 और रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे किसान। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। आप देखते रहिए SMZ News India।